हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ होम्यो वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी फील किया ही होगा, अनुभव किया ही होगा। वो है स्लीपलेसनेस के बारे में। इंसोम्निया कहते हैं उसे, अनिद्रा भी कहते हैं हिंदी में, राइट? तो जनरली स्लीपलेसनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बंदा या तो रात को सो नहीं सकता है, जैसे एकदम से नींद आती है, कभी कभार नींद आ जाती है बट बीच में से साउंड स्लिप नहीं रहती है और थोड़ी थोड़ी देर में उठना पड़ता है, या तो लेट स्लीपिंग होता है, मींस नींद ही बहुत लेट आती है, बहुत टाइम बेड पे पड़े रहे, पथरी पे पड़े रहे, बहुत सारा इधर उधर कर लिया बट नींद नहीं आती, आती है तो बहुत लेट आती है, अगर आ भी जाती है तो खुल जाती है, आ भी जाती है तो साउंड स्लिप नहीं रहती, और या तो नींद अर्ली में आ जाए बट बहुत जल्दी रात को 3-4 बजे बजने के बाद तुरंत बंदा उठ जाता है, पेशेंट जो है उनकी नींद खुल जाती है और फिर आती ही नहीं है, राइट? या तो इंटरप्टेड स्लीप आती है, बार बार खुल जाती है नींद। तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार के हमने जो सिम्टम्स बताए वो सारे इंसोम्निया के लक्षण हैं, उसे अनिद्रा भी कहा जाता है। तो जनरली ऑब्वियसली अगर किसी को अनिद्रा है तो उनका मूड एकदम लो रहेगा दिन ब दिन, उनको इरिटेबिलिटी हो जाएगी, मूड स्विंग्स आते रहेंगे, पूरा दिन रिफ्रेशिंग नहीं रहेगा, एकदम से मन से उसको आनंद नहीं रहेगा, जो कुछ भी काम करने वाला है बंदा पूरा दिन में उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी पे भी असर होता है, याद रखने में, किस चीज़ों को रिट्राइव करने में, जो कुछ भी बातें मन में है ऑलरेडी उसको रिकलेक्ट करने में भी थोड़ी तकलीफ आती है, दिक्कतें आती है। तो ये सारे ऐसे ऐसे चिन्ह हैं जहाँ पे तकलीफ़ होती है इंसोम्निया के कारण। ऑब्वियसली हमारी जो नींद है वो हमारी हेल्थ का एक मार्कर है, जितनी अच्छे से नींद लेते हैं, भले ना हम 6 घंटे नींद लें बट वो नींद अच्छी डीप और साउंड स्लीप होनी चाहिए। नींद की पूरी एक साइकिल रहती है, रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, रेम स्लीप की, वो कम्प्लीटली अगर कम्प्लीट हो रही है, अच्छे से कम्प्लीट हो रही है, तो नींद चाहे कभी कभार कम घंटे की भी होगी, अगर वो साउंड होगी, डीप स्लीप होगी, तो हमें पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी। 1-2 दिन भी अगर नींद नहीं आती है तो तकलीफें बहुत बढ़ जाती है, वो अगर जिसको एक्सपीरियंस होता है उनको पता चलता है। जनरली अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स अगर ऐसे गए कि जहाँ पे 1 वीक में 3 दिन तक नींद नहीं आई है, अगर ऐसा 3 महीने तक रहा है तभी हम उसे इंसोम्निया हुआ है पेशेंट को ऐसा कह सकते हैं। ओकेजनली कभी कभार नींद नहीं आना उसे इंसोम्निया हम नहीं कह सकते, राइट? तो उसके लिए 3 मंथ तक, वीक में एटलीस्ट 3 दिन तक अगर इंटरप्टेड या तो नींद ही नहीं आई है या तो इंटरप्टेड स्लीप बार बार आई है तो हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट को इंसोम्निया है। अब ऑब्वियसली कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंसोम्निया के लिए बहुत सारी एंटी एंग्जाइटी स्लीपिंग पिल्स अवेलेबल ही है मार्केट में, काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे, बट एक तो वो हैबिट फॉर्मिंग है, आप उसे लंबे अरसे तक नहीं ले सकते और आगे जाके उसका आपके मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस सबके ऊपर गहरा असर हो सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी सबके ऊपर असर हो सकता है उसके, और उसके सारे बहुत सारी ऐसी पिल्स होती है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत ही प्रकार का हार्म दे सकती है। इससे अच्छा है अगर हम होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम सेफ है, नेचुरल है, टोटली हार्मलेस है और वो होलिस्टिक है। होलिस्टिक मींस जैसे इंसोम्निया की हमने बात बताई तो इंसोम्निया के बहुत सारे रीजंस, उसके पैटर्न को समझना पड़ता है पहले होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, इंसोम्निया क्या है उस पेशेंट के लिए, कैसे उसे असर करता है और किस तरीके से उसके ऊपर असर करता है, वो सारी चीज़ों को समझ के हम मेडिसिन देते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन होलिस्टिक है, वो हमारे अंदर के जो ब्रेन में जो स्लीपिंग सेंटर्स आए हैं उसको सिर्फ उजागर करके हमें नींद दे देती है ऐसा काम नहीं करती है ये दवाई, और उसकी केमिकल इफेक्ट नहीं रहती है। ये दवाई होलिस्टिक प्लेन पे मन शरीर एंड मना शरीर सबके ऊपर असर करके हमको अच्छे से अच्छी स्लीप नेचुरली देने के लिए हेल्प करती है, राइट? हमें कोई और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही एक ओवरऑल हेल्थ इस तरीके से मेंटेन हो जाए वो मेडिसिन के कारण, चाहे हम अच्छे से सो पाएँ। तो हम अभी बात करने वाले हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो अगर कोई ना कोई पेशेंट को इंसोम्निया हुआ है तो उसे बहुत ही हेल्प करती है दवाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मेडिसिन है कालीफॉस।
ये दवाई इतनी अच्छी है कि जब कोई बंदे को स्ट्रेस और वरीज बहुत है, बहुत ही चिंतित होने का स्वभाव है और स्ट्रेसफुल रहता है वो बंदा, और उसे अगर इंसोम्निया हुआ है तो कालीफोस इज़ दी मेडिसिन। और जब पर्सन की जो नींद है वो रात के लेटर पार्ट में, यानी कि पहले नींद आ गई है उसके बाद में खुल जाती है, अगर ऐसा होता है तो कालीफोस इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो है कोफिया। अगर टू मच वरीज या तो टू मच थॉट प्रोसेस मन में सतत चलती रही थी, जिनके केस में बोलते कि एकदम से या तो ड्रीम्स की पैटर्न बहुत ही चेंज होती रहती है या तो सतत एक प्रकार के थॉट्स आते रहते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है कोफिया। और कोफिया ऐसी भी इतनी अच्छी दवाई है, अगर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी दवाई, जब बच्चे जो ना ज़्यादातर बच्चों में देखा होगा कि उनको रात को सोने का मन ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ थियोरीज बनाते रहते हैं, अपने खुद के इमेजिनेशंस बनाते रहते हैं, तो अगर ऐसे बच्चे हैं उनके केस में अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो कोफिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है इग्निशिया। जब कोई बंदे को, जब कोई पेशेंट को, कोई पर्सन को कोई ग्रीफ है, किसी प्रकार का सदमा अगर पहुंचा है, हर्ट पहुंचा है, या किसी की घर में डेथ हो गई है, और उसके बाद उसके मन में उसकी जो मेडिसिन की इफ़ेक्ट मिस, वो डेथ के कारण जो इमोशनल इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा गहरी पड़ी है, सदमा इतना गहरा पड़ा कि वो बंदा सो ही नहीं पा रहा है, और उसके कारण अगर उसके उसको इंसोम्निया प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो एकदम अच्छी एक दवाई है इग्नेशिया करके, वो दवाई बहुत ही अच्छी है। और हम ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे ग्रीफ के जो हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं उनके लिए हम ज़्यादातर केसेस में बहुत ही यूज़ करते हैं। और एक दवाई है केमोमिला करके, यस केमोमिला भी बहुत ही अच्छी दवाई है, जहाँ पे पेन नमनेस पर्सन को ज़्यादा रहता है और वो बंदा सो नहीं पाता है, तो केमोमिला इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। देन अगेन इम्पोर्टेंट मेडिसिन इज़ रस्टोक्स। जहाँ पे क्रॉनिक पेन बहुत रहता है, कोई बंदे को किसी प्रकार का, जैसे कोई प्रकार का आर्थराइटिक पेन है, मस्कुलर पेन है, और कोई ऐसी कंडीशन में वो है जहाँ पे उनको शरीर में ओवरऑल बॉडी एक बॉडी पेन ज़्यादा केसेस में रहते हैं, अगर ऐसा केस है तो रस्टोक्स एक बहुत ही अच्छी दवाई है। और एक अच्छी दवाई है पैसिफ्लोरा। जैसे कोई एल्डरली है, अगर बहुत लेट मीन्स क्या बोलते हैं, बहुत ही अनुभवी एल्डरली पीपल है, बुज़ुर्ग पीपल है, उनको कुछ ना कुछ मन में कोई ना कोई पैटर्न चलती रहती है, और उनके कारण अपने कुछ खुद के कोई इशू है या हेल्थ की इश्यूज है, उसके कारण कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है और वो सो नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी दवाई है पैसिफ्लोरा करके, जो दवाई है वो उनके लिए बहुत ही अच्छी इंडिकेटेड है। दूसरी एक दवाई है नक्स वोमिका। जहाँ पे लेटर पार्ट ऑफ रात मीन्स बंदा सो जाता है, बट सोने के बाद नींद बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में खुल जाती है, तो उनके केस में एक अच्छी दवाई है नक्स वोमिका। स्लीपलेसनेस रहती है बट पहले आ जाती है नींद, बाद में खुल जाती है, फिर वो सोने के लिए ट्राई करते हैं तो दे कांट स्लिप, नक्स वोमिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन। देन एक मेडिसिन है रोबिनिया करके। अगर किसी बंदे को GERD है, जहाँ पे उसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, खाने के धक्काने बहुत आती है और वो बंदा सो नहीं सकता, उसके कारण ही हैज़ टू मूव इन द बेड के चलो यहाँ इधर उधर हुआ बट नींद नहीं आती, तो दवाई है क्या नाम बताया हमने रोबिनिया, बहुत ही अच्छी दवाई है, राइट। तो ये सारी बात हुई मेडिसिंस की, जो मेडिसिंस आपके लिए इंसोम्निया है अगर आपके केस में, तो आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। और भी बहुत सारी मेडिसिन, जैसे मुझे अभी याद आ रही आर्सेनिक है, बहुत अच्छी दवाई है, जहाँ पे कोई ना कोई बंदे को, कोई ना कोई पेशेंट को कुछ ना कुछ हेल्थ की, फैमिली इश्यूज़ की, कोई ना कोई सिक्योरिटी की बातों पे सतत मन में थॉट्स आते रहते हैं, वरीज रहती है, एंग्जाइटीज रहा करती है, अगर ऐसा केस है तो आर्सेनिक बहुत ही अच्छी दवाई है। ये सारी मेडिसिन जो हमने आपको बताई वो सारी मेडिसिन इंसोम्निया के लिए बेस्ट मेडिसिन है। उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, कब नींद आती है, कब नहीं आती है, कब खुल जाती है और कैसे नींद में तकलीफ होती है नींद आने के बाद पूरे दिन में, ये सारे चीज़ों को देखकर अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है आपको कोई क्वेरीज है, आपको कोई इंसोम्निया के बारे में कुछ तकलीफ में के बारे में कुछ पूछना है, कोई ना कोई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पूछना है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क अस ऑन अवर नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय एनी मीन्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपको सारी डिटेल्स, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते रहेंगे वो आपके तक पहुंचती रहेगी। और बेल आइकन दबाना भी मत भूले। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, यू कैन डेफिनेटली लाइक अवर वीडियो, राइट। धन्यवाद।